हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम हमारे जीबू सिंबल के नेक्स्ट पॉइंट डिवाइन एसेंस में आए हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि पहले आपको जीबू सिंबल क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है आपको पता भी हो, फिर भी थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देखें, इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम किस तरह से इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने सिंबल पर, डिवाइन एसेंस। इसका जो जीबू नाम है वो है इम्यू, बॉडी पार्ट चेस्ट, कलर ब्लू। ये सिंबल क्या करता है, जैसे कि इसके नाम से डिवाइन एसेंस, ये आपके अंदर जो, क्योंकि जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो हर इंसान का है, लेकिन उस कोर में है एकदम, उसे ऊपर आने में टाइम लग जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि एनर्जी भी कुछ होती है या हमारा यूनिवर्स का कनेक्शन होता है, या फिर पता है तो बिलीव नहीं करते, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। व्हाट्सअप वगैरह इन सब पे, सोशल मीडिया पे ये सब बहुत शेयरिंग होता है, तो वो इग्नोर कर देते हैं या बिलीव नहीं करते हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, लेकिन कोर में सबके हैं, क्योंकि जहाँ से हम निकले हैं वो चीज़ हम भूल नहीं सकते। जिस तरह से आप लोग अपने बचपन का घर आपका जो होगा, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप रहे हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। भले आप जाते नहीं हो, लेकिन वो चीज़ अगर आपको दिख जाती है तो बहुत एक अंदर से अलग सी फीलिंग आती है। तो हमारा मेन प्लेस जो है वो तो डिवाइन है ना, डिवाइन प्लेस है। ठीक है, तो कोर में तो सबके हैं, उसे दर्शाता है आपका, शो करता है, उस चीज़ को आपके सामने लाता है, आपको याद दिलाता है कि आप क्या हैं, कहाँ से आए हैं, इस बात का विश्वास दिलाता है आपको कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब हम जहाँ से निकले हैं, जिस यूनिवर्स से निकले हैं हम, जिस डिवाइन के अंडर, जिन डिवाइन एंटिटीज के अंडर हम पले बड़े हैं, ठीक है, जुड़े तो हैं ही हमारे साथ, वो उनके साथ अगर हमारा कनेक्शन होता है, हम उस वाइब्रेशंस में रहते हैं, तो ये हमारा जो है हर कार्य संभव हो सकता है। अब ये आपको ये भी प्रोत्साहित करते हैं कि उस कार्य को करने के लिए आप प्रयास करते रहें। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, रेकी स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं, जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो बढ़ जाती हैं कई बार। वो क्यों बढ़ती हैं, ये थोड़ा सा बड़ा मैटर है और इसका एक रीज़न है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे एक वीडियो बनाने ही वाले हूँ इस बात से रिलेटेड। अब उस चीज़ से घबरा के वो लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लगातार प्रयास करते रहना, छोड़ने ना देना। ठीक है, ये चीज़ ये हेल्प करता है इसमें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा आपको लगता है कि जब भी आप ये सब शुरू करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी 2-4 दिन में आएगी वो वीडियो, दूसरे चैनल पर आएगी। इस चैनल पर सिर्फ मैं ये लर्निंग कर रखती हूँ। तो इसका अफर्मेशन है, आई होप क्लियर हो गया होगा, कि हमें डिवाइन के साथ जोड़ता है, हमारे जो हमारी आत्मा का घर है एक किस्म से, उसके साथ हमें कनेक्ट करता है। आई एम्ब्रेस, इसका अफर्मेशन है, आई एम्ब्रेस माई डिवाइन गिफ्ट। क्योंकि जब हम वहाँ से पैदा हो गए हैं, जब आप अपने घर से कहीं जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ गिफ्ट्स देते हैं, तो इसी तरह से डिवाइन एनर्जीज ने, डिवाइन प्लेस ने हमें बहुत सारे गिफ्ट देकर भेजा हुआ है। उन गिफ्ट्स को हम कहीं रख कर भूल गए हैं। ठीक है, तो इन गिफ्ट को ढूंढना, उन्हें एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में, ये हमारा काम है। तो हम इसका अफर्मेशन देखते हैं, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मुझे आज ऐसा
पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ मिसिंग रह गया है और क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में डाल सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहीं कमेंट करना है, व्हाट्सअप पर भी मैसेज डाल सकते हैं आप। सो अब हम इसको बनाना सीखते हैं। डिवाइन एसेंस, इसमें आपको एक बार पेन उठाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप स्टैंडिंग लाइन, यहां से लें, यहां से वन लेके आपको पेन उठाना पड़ेगा। अगर आप क्लियरिटी लाते हैं दोबारा से करने में ऊपर तक तो कर सकते हैं। ठीक, वन स्टेप, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है फ्लोइंग हैंड में। देखिए पहले वन, दूसरी तरफ जाकर वापस से सर्कल। ओके।